हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के असं गल कर जा रहे हैं सम नंबर 60 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक चुन। सो ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ये कहते हैं कि एक जो सॉलिड आयरन पोल है उस सिलेंडर सिलेंड्रिकल शेप दे विच है ते उसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर हाइट है उसकी। बेस डायमीटर उसका कितना है 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। उसके ऊपर की है एक होर सिलेंडर रखा हुआ है उसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर ते रेडियस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। हुण की कहंदे आ जो एक दोनों कंबाइन करके पोल बनया है टोटल उसका मास फाइंड आउट करो। सो मास दा वेट पर यूनिट वॉल्यूम कितना उहदे विच। सो गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब जिहड़ा 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है उस दे विच किन्ना मास है 8 ग्राम्स ऑफ मास है। सो यूज पाई एर इत पाई है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। हुण इत्थे मैनशन है कि पाई नूं तुसीं की वैल्यू लैनी है 3.14। सो देखो दो इत्थे डायग्राम है दो पोल्स हन एक पोल एक है कंप्लीट दो शेप्स हन एक पहला सिलेंड्रिकल शेप है नीचे इस सिलेंड्रिकल शेप की सू हाइट दी है 220 सेंटीमीटर। सो इस तो बाद सू इसका जो डायमीटर गिवन है वह किन्ना है 24 टोटल 24 है रेडियस विल बी 12। हुण इस तो बाद की सू गिवन है एक होर छोटा फोल जो इस उपर है उसकी हाइट कि 60 सेंटीमीटर तो उसका जो रेडियस है वह किन्ना है 8 सेंटीमीटर है। सो हुण जे असीं स्टार्ट करिए इसनूं सॉल्व करना असीं की फाइंड आउट करांगे बेसिकली सब तो पहला इन्हां दोनों पोल्स की कंबीनेशन का वॉल्यूम। पहला इस पोल जो नीचे वाला पोल है इस सिलेंडर है इसकी वॉल्यूम फाइंड प्लस जो उपर वाला पोल है उन्हां इन्हां दोनों की वॉल्यूम कढ़ के उन्हूं प्लस करके सो साडे कोल की आ जाएगी टोटल वॉल्यूम जिन्ना इत्थे जो भी मटीरियल उसका बनया आयरन है जिवें। सो आयरन टोटल आयरन किन्नी लगी है इस पूरी पोल नूं बनाउण दे विच। सो उस तो बाद सानू 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब की है 1 सेंटीमीटर इधर नू 1 सेंटीमीटर उपर नू फर्दर 1 सेंटीमीटर 3 डिमेंशन हुण क्यूब की गल की गई है। सो एक क्यूब जो है जो उसकी हर इंच 1 सेंटीमीटर है। सो जिवें कि इत्थे मैं तुहानू ड्रॉ करके दिखा रहा है सो ये 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। सो इन्ने पोर्शन का जो वेट होएगा वो कितना होएगा 8 ग्राम्स होएगा। सो असी की फाइंड आउट करना है कि टोटल का जो मास है वह कितना। सो स्टार्ट करते हैं सब तो पहला तो डिमेंशनस लिखिए डिमेंशनस की हैं साढ़े को सोल्यूशन। सो सब तो पहला देखो सिलेंडर जो नीचे गिवन है सानू उसका सानू हाइट की है हाइट हाइट ऑफ जो सिलेंडर गिवन है फर्स्ट जो नीचे वाला सिलेंडर है सिलेंडर 1 सपोज कर लो उसकी हाइट नू सपोज कर लो h1। सो साडे कोल उसकी हाइट कितनी गिवन है 220 सेंटीमीटर। फर्दर जो इसका डायमीटर कितना गिवन है सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर 1 सो सिलेंडर 1 असीं किनू आ नीचे वाले नू सपोज कर रहे हैं। सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर 1 वो की है 24 सेंटीमीटर दैन रेडियस ऑफ सिलेंडर 1 सो ओ के इक्वल होएगा आर 1 दे इक्वल होएगा। सो रेडियस की आएगा 24/2 2 ना डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर सो दिस विल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो रेडियस की वैल्यू साढ़े को आ गई 12 सेंटीमीटर। हुण असीं गल करांगे जो उपर वाले सिलेंडर की हाइट उसनों असीं सपोज कर लो नाम देता 2। सो हाइट ऑफ 2 जो 2 सिलेंडर है उसकी हाइट की सपोज कर लो h2। सो उसकी हाइट सानू गिवन है 60
सेंटीमीटर। दैन उसका रेडियस गिवन है कि डायमीटर सीधा रेडियस सानू गिवन है उसका। सो रेडियस की है उसका, रेडियस ऑफ सिलेंडर टू उसने सपोज कर लो आर टू। सो एक किरे कोल है 8 सेंटीमीटर दे। हुण असी की करांगे, द वॉल्यूम ऑफ पोल नू फाइंड आउट करांगे। सो वॉल्यूम ऑफ पोल, सो वॉल्यूम ऑफ पोल की होएगा, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू। सो साड़ी जो कंडीशन है वो ये बनी। सो ये साड़े को आ गई कंडीशन। हुण असीं इत्थे वैल्यू जो फॉर्मूला सन वो सबस्टिट्यूट करांगे इन्हां दी जगह उत्ते। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वन है जो उस सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिए वॉल्यूम का। सो वो की होंदा है तुहानूं पता है पाए आर स्क्वेयर एच। हुण जो सिलेंडर वन है उसका रेडियस असीं लिया सीगा आर वन। सो पाए आर वन द स्क्वेयर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ अनदर सिलेंडर इज पाए आर टू टू द स्क्वेयर एंड एच टू। इतने एच वन हाइट सी पहले वाली। हुण इन्हां दे विच कॉमन की है पाए। सो पाए दोनों दे विच की आ गया कॉमन आ गया। सो पाए नूं असीं बाहर कॉमन लिख लिया। सो ब्रैकेट दे अंदर आर वन द स्क्वेयर। आर वन साडे कोल किन्ना है, रेडियस वन है 12। सो 12 द स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एच वन, हाइट किन्नी है 220 प्लस जो नेक्स्ट आर टू है साढ़े को किन्ना है 8 द स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एच टू, हाइट किन्नी है जो नेक्स्ट है वो है 60 सेंटीमीटर। सो इतने करिए ब्रैकेट क्लोज। हुण इन्हां नूं असीं सॉल्व करांगे। इतने की आ गया पाए। सो 12 का स्केयर किन्ना होंदा 144 मल्टीप्लाई बाय 220 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 60। पाई की वैल्यू इतने सानू गिवन है कि असी किन्नी वैल्यू लैनी है 3.14। उपर देख सकते स्टेटमेंट दे विच। सो यूज पाई एज 3.14। सो असी पाई की वैल्यू की लवेंगे 3.14। सो दिस विल बी इक्वल टू 144 नूं असी इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे तां साडे कोल की आंसर आंदा है देखो। 144 नूं जस्ट 22 नाल मल्टीप्लाई कर लो, एक जीरो उस नाल लगा लांगे। 2 4 8 2 4 8 एंड 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय सेम फिर 8 8 एंड 2। सो नीचे क्या आ गया 8 16 आ गया, 6 इत्थे आ गया, इत्थे क्या आ गया 1 कैरी चला गया 8 to 10 एंड दिस 11 फिर 1 कैरी चला गया 2 एंड 3 आ गया। सो साढ़े कोल क्या आया इन दोनों मल्टीप्लाई करके 3 1 6 8 3 1 6 8। इतने असी 22 ना जस्ट मल्टीप्लाई किया जीरो एज इट इज इतने नाल इहदे लगा देंगे। सो 64 नूं 6 दे नाल मल्टीप्लाई करके देखिए तो साढ़े कोल की आता है 64 मल्टीप्लाई बाय 6 24 36 37 38। सो 384 इतने साढ़े कोल आ गया 384। तो जीरो जो सी एज इट इज इतने आ जाए। हुण असी ये जो ब्रैकेट दे विच टू टर्म्स हैं इन्हां नूं की करांगे आपस दे विच एड करांगे। सो साढ़े कोल क्या आया 314 डिवाइडेड बाय 100
डेसिमल सी उसनू असी फ्रैक्शन दे विच कन्वर्ट कर लिया। सो 3168 जीरो इत्थे आया सी साडे कोल, इस दे विच असी प्लस करना है 3840। सो 3840 सो दोनों नू जदों प्लस करांगे तां साडे कोल की आंसर आएगा, इत्थे प्लस करन तों बाद जीरो एज इट इज, 8 4 12 वन कैरी, सो 9 9 8 और वन जो कैरी सी उहदा 9 हो गया, 9 और 6 किन्ना आ गया 15। सो इत्थे एक होर कैरी चला गया 3 1, इत्थे 4 आ गया, 4 आ गया, इत्थे क्या गया 3। सो 3 4 5 2 0 3 4 5 2 0 सो 0 0 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 314 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3452। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 355, ਸੋ 35520। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ 355 20, सो 355 520। सो ये कैंसल आउट हो गए। हूँ 314 मल्टीप्लाई करिए 355 by 10। सो इसमें असं सॉल्व करा हम, सो साडे कोल इत्थे ये टर्म आ गई। हूँ असी डेसिमल नूं उपर लगा देंगे 1 1 1 5 3 2.8। सो ये साढ़े को आया वॉल्यूम, सो दिस मस्ट बी इन क्यूबिक यूनिट्स। सो क्यूबिक की हैं असी कि सेंटीमीटर्स के गल कर रहे थे, सो और आंसर विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। सो ये असी फाइंड आउट किया वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोल, आयरन पोल। सो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल साढ़े को आया इज इक्वल टू 1 1 1 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। फर्दर हूँ सानू होर नैक्सट की सानू फाइंड आउट करने के लिए क्या कि इस दे विच मास कितना है, गिवन की सीगा, चेक करते हैं स्टेटमेंट तो। Given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams of mass. So, mass in 1 centimeter cube of iron pole. So, mass of 1 centimeter cube iron pole is equal to 8 gram। हुण असीं की फाइंड आउट करना है मास ऑफ दिस सेंटीमीटर क्यूब। सो मास ऑफ 1 1 1 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पोल इज इक्वल टू 8 multiplied by 1 1 1 5 3 2.8। सो हुण इसनों मल्टीप्लाई करके देखो की आंदा है रफ कॉपी के उपर। सो साढ़े को आ गया 8 9 2 2 6 2.4 ग्राम। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਇਟ ਬਾਈ 1000। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 9 2 2 6 2.4 by 1000 ਕੇਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 9 2.2624 kg। So this is the mass of
आयरन पोल। सो साडे कोल की आंसर आ गया, जो मास ऑफ आयरन पोल है वो साडे कोल आंसर आ गया 892 point something kg। सो इस तरीके दे नाल असीं सम नंबर 6 वी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स।